ए हाय, वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। गंगापरी प्रमोशन कर रहे हैं हम बिल्कुल अनस भाई के साथ, और साथ में है हमारे हशियम भाई एंड तौसीफ भाई। और हमें लेके जाते, बोले इधर ही है बकरा। फिर हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, 15 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। यानी एक बकरा यहाँ पर है तो दूसरा बकरा 15 किलोमीटर दूर। हालांकि बकरे बहुत हैं शामली में, लेकिन हमें शौक प्रमोट करना है तो अच्छे बकरी बताएंगे जी बिल्कुल। और अच्छे बकरे हम चुन के आपके लिए लेके आ रहे हैं शामली से। अनस भाई जी, कहाँ पर आए हम? अभी हम शामली के कौन सा गांव? कहराना। कहराना जी। और किसका बकरा देख रहे हैं हम अभी फिलहाल? ये इन भाई का बकरा है। आपका है जी? क्या नाम है सर आपका? गयूर भाई। बताइए बकरे के बारे में, डिटेल बताओ। कब से पाल रहे हो, क्या डिटेल्स है, क्या नाम है? ले ले शर्मा रहा, बात कर सामने। कब से पाल रहे हो? कब से पाल रहे हो उसको? इसको लाए हो 3-4 महीने हुए। अच्छा, बड़ा ही बकरा लेके आए थे आप? बड़ा ही लेके आए थे। अभी फ्रेश 8 दांत किया है बकरे ने जी, है ना? और आप बता दीजिए, ये शर्मा रहे थोड़े, क्या डिटेल्स है बकरे की? मतलब अपना ही बकरे की डिटेल्स क्या है? इसकी डिटेल ऐसा होता है, गंगापारी होता है ये जी। गंगापारी में जैसा होता है, क्या हाइट वेट है? हाइट इसकी होगी 43 होगी। 43 मेरे अनुसार 42 हाइट है। जी 43 ले लो जी। ओके 43 ले लो। हाँ जी। और वजन में थोड़ा कम है ये? वजन में 80 किलो होगा जी। हाँ 80 के आसपास, क्या लगता है? है ना, 90 लगाओ, 90 किलो होगा। आप तो 10 किलो बढ़ा के ही। नहीं, 86 किलो लाए थे। वही 80 के ऊपर ही है जी। 80 के ऊपर मजबूत हड्डी का होगा तो हमें समझ में नहीं आता। जी, पैर देखो मजबूत, देखो हाथ पैर देखो उसके जी। अच्छा, ये बात बताइए, गंगा पार, ये नाम कहाँ से है? गंगा के उस पार क्या? नहीं, ये गंगा पार ही नाम आया है। किराना कांदला गेंगरू, ये यहाँ पे मशहूर होता है, यहीं पे माल मिलता है। और एक यहाँ पे पड़ता है हमारा पीठ बरौली, ये क्या नाम इसका, पीठ बरौली पड़ता है यहाँ से कम से कम 15 किलोमीटर झिंझाना के पास। तो ऐसा लगता है गंगा पार के बकरे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नदी बस ये नाम मशहूर है, किराना कांदला श्यामली गेंगरू। ओके जी। और फुरकान, ये फुरकान है यहाँ पे, जहाँ पे पड़ रहा है ये फुरकान है। तो शामली जो है वेस्ट यूपी, गंगा और जमुना के बीच में आता है। दैट्स व्हाट जी जी आर एक्सपर्ट्स सेस जी जी। तो इसीलिए नाम पड़ गया है गंगा पारी। वेरी नाइस जी जी, वेरी नाइस। चला के बताइए थोड़ा बकरे को। रुबाबदार बकरा है, खूबसूरत है माशाल्लाह। अनस भाई, पालने वाली चीज है जी माशाल्लाह। अनस भाई थोड़ा बात कीजिए। अनस भाई, आपके हिसाब से क्या बकरा लेने लायक है? हाँ बिल्कुल लेने लायक है भाई, माशाल्लाह अभी अंडुल है। एक साल में रंगत पे आएगा पूरी? बिल्कुल। हाँ, कितने वजन पे जा सकता है? देखो मैं अपने आइडिया से बोल सकता हूँ, ये 135 क्रॉस करेगा। 135 टू मच आई थिंक। अभी 85 है ये। मैंने तो अभी अपनी लाइफ में गंगा पर ही अंडुल देखा, तो मैंने भी 120 और 125 ही है। और लास्ट सीजन हमने जामा मस्जिद मंडी में देखा कि जो बहुत बड़ा बकरा था वो माशाल्लाह, बट ये पैरों का बहुत मजबूत है भाई। हालांकि ये बकरा भी वाइट वाइट ही है, सिंग खुल, लेकिन वो गुलाबीपन नहीं है जो हमने पहले सोनू वाले बकरे में देखा ना। ये थोड़ा ना पीलापन हो रहा है अभी। ये नहावन है, ये गंदा हो रहा है। हाँ हाँ, ये बाजू बताइए। हाँ ये बाजू। हाँ जी हाँ जी, जैसा वो आप कहना चाह रहे हैं ना कि वो एकदम गुलाबी दिख रहे, एकदम तर गुलाबी था वो। हाँ। तर गुलाबी, लेकिन है खूबसूरत। खूबसूरत, खूबसूरती में नो डाउट। रिजल्ट आया है कुछ इसका? अभी कुछ ब्रीडिंग वीडिंग हुई है? ये तो 4 महीना पहले ही लेके आया ना आपने जी। कहाँ से लेके आया, मंडी से? नहीं, यहीं पे था है। ओके 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 ओके। बाकी एक बार इंशाल्लाह ताला इसकी कटिंग वगैरह होगी, हेयर कटिंग वगैरह, तो ये अच्छा हो जाएगा। नहीं है वाकई में खूबसूरत, जितने भी बकरे आप देख रहे हैं कोई एक से कम नहीं है भाई, सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे। क्योंकि जैसे आप ये देख रहे हैं पीला पीला पाने, ये सब ना ये गंदगी है। एक बार जब हेयर कटिंग होने के बाद जब ये आएगा, हाँ जी, तो ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल अपने रंगत पे आ जाएगा। इनकी क्या डाइट है, खिलाते क्या हो आप सर, क्या खिलाते हो बताइए आप? बड़े सर इसको खुलाते हैं चना और दूध। ये रात गांव में आते खिलाने के लिए? जी जी नहीं, सब गांव में नहीं, खुलाते ही है चीजें इनको, सबको जो डिटरमेंट देते हैं ना इनको। हाँ। ये सब 1 किलो दूध रात को पीता है, उसके बाद ये खाते हैं चना, 1-1.5 किलो चना खा जाते हैं, पता नहीं लगता 5 मिनट के अंदर। जी बातों के माहिर है? नहीं सर, बातों के माहिर नहीं है, चीज के माहिर। आप जो है ना, धर के देख लो, 2 किलो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है जी। अब फार्म पे चला जाएगा तो थोड़ी रोज कोई दूध पिलाएगा? नहीं क्यों नहीं पिलाएगा, अगर देखो खुलाना तो पड़ेगा, जाएगा पिलाने को। अनाज में क्या देते हैं?
चना चना अनाज में चना सिर्फ चना चना मक्का वक्का कुछ नहीं नहीं, नहीं और गुलर के पत्ते देते हैं गुलर के पत्ता वो खाते हैं। ओके जी ये प्रॉपर ये कॉमन डाइट है यहाँ पे सारे बकरों की है ना। ये जी जी ये हाइट कौन से उम्र से लेना शुरू करते हैं गंगा परी बकरे? ये हाइट दो दांत होने के बाद हाइट लेना चालू करते हैं जी सर। और हमने देखा है मैक्सिमम 47 48 हाइट के ना जी जी 47 तो अपन ने जामा मस्जिद पे देखा था वो हमारे था जो आपने देखा 47 चरपाई पड़ा होगा एक। आप तो थे नहीं वहाँ पे? मैं था आपने मैं कहीं आपको इधर उधर वहाँ मिला हुआ पेशाब करने गए थे जी जी जैसा गर्मी बहुत थी ना जी 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 गर्मी बहुत थी और आपने देखा वो चरपाई पे लेटा मिला होगा आपको जो उसकी बात कर रहा जी 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 वो 1,40,000 का हमने बेचा था खुद नहीं वो खराब खसी थे मेरे ख्याल से नहीं उसको खासी करके अच्छा जाते सारे खसी लेकिन आज जितने भी बकरे बता रहे हो सारे आंडू 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 ऐसा है ना सर ये भी खासी होएगा। हाँ ये भी आंडू है जो है खासी होएगा तो बड़ी उम्र का करके खसी करते हाँ, कोई बात नहीं वजन तोड़ता नहीं है बाद में नहीं नहीं ये जो डिटामिन देते हैं ना चीज देते हैं इंजेक्शन ये दवा वगैरह वगैरह कुछ एहसास नहीं होता लेकिन रुबाब जो है वो आंडू में आता है ना जी नहीं आता तो रुबाब वो अपने पर पालने की बात है हम खासी पालते हैं जी जी जी। अब ये बच्चा भी है ये भी गंगा पारी हाँ ये भी गंगा पारी है और ये भी ऐसी सिंग गोल सब ऐसे घूमेंगे सिंग इसके ये कितने महीने का होगा? ये करीबन 3.5-4 महीने का है। ये भी बिक्री के लिए है? जी हाँ ये भी नर है ना क्या पार्ट है? नर नर है नर है खासी कर डाले इसको अरे खासी कर डाले। ये क्या हाइट का जाएगा क्या है इसका बाप का हाइट? इसका हाइट कम से कम कितना जाएगा आपको लगता है? अब हाइट के ऊपर तो इसकी ऐसी होती है सर कोई बोल नहीं सकते बाप के ऊपर है बाप के ऊपर होता है जी सर। तो जितने भी बकरे हम देख रहे हैं सारे 42-43 हाइट प्लस ही है 40 अबव तो जाना ही चाहिए जी 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 है ना ठीक है। तो ये जो बकरा है ये भी बिक्री के लिए है जी सर गंगा परी प्रमोट कर रहे। देखो एक और पीछे आया ये भी है ये भी अच्छा है दो दांत कर लिया मेरे ख्याल से अदंत है अदंत को आप क्या बोलते हैं ऊना 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 कुछ ये अदंत है आप भी दांत तोड़ रहा है दो लगा रहा है दांत ठीक है। ये बिक्री के लिए है ये बिक्री के लिए है और कौन सा पीछे जो था वो एक बिक्री के लिए है। आप अनस भाई का नंबर डाल रहा हूँ अनस भाई इनसे भी कोऑर्डिनेट करेंगे जी और आपको अच्छे दाम में मिलेंगे। ये मत समझिए कि भाई सबका बहुत लंबा लंबा लाफा है भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं मेहनत के पैसे लेंगे बिल्कुल लेकिन आपको सही चीज देंगे गंगा पारी का सही डिटेल्स और शौक कराएंगे सबसे बड़ी बात है। और एक बकरा आ रहा है लेके आइए वो भी बच्चा है माशाल्लाह लेकिन रुबाबदार है वो। कान छोड़िए माशाल्लाह ये तार देखिए दांत कितने किया ये तो अदंत है ये पकड़ेगा हाइट ये हाइट लेगा और ये गुलाबी ये गुलाबी है माशाल्लाह ये भी देना है आंडू ये क्या कर डाले पंच खासी कर डाले ये फुल माशाल्लाह रुबाबदार है घोड़े जैसे यार बच्चे माशाल्लाह ठीक है। जिस किसी को भी लेना है बच्चे भी बिक्री के लिए है बड़ा भी बिक्री के लिए एनी बॉडी इंटरेस्टेड जस्ट गेट इन टच विद देम। थैंक यू सो मच।